अटेंशन प्लीज, डीएसपी रंजीत का इस ऑफिस में आखिरी साल है। हम आपको मिस करेंगे सर। बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। मैं कहीं भी जाऊं तो मैं साथ ले जाऊंगा। ओके थैंक यू सर। जोगा क्या होगा सर? कौन, जोसेफ? जहां वंदना जाएगी जोसेफ उसके पीछे आएगा। कहने की क्या जरूरत है? अगले साल मैं रिटायर होने वाला हूं। रंजीत एसपी बनकर हमारे ब्रांच हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद फील्ड वर्क छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ढेर सारे टीवी वालों को इंटरव्यू देने होंगे। सर, प्रेस को संभालना बहुत मुश्किल है, क्रिमिनल को संभालना आसान है। एक और मजे की बात, सर ने अब तक 99 केसेस सॉल्व किए हैं, अगली बार सेंचुरी मारेंगे। जैसे धोनी लास्ट बॉल पर सिक्स मारता है, उसी तरह आप कोई बड़ा दमदार केस सॉल्व कीजिए सर। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, आओ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ये केक सब में बांट देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है सर। हमने इन पांच लोगों को कई बार अरेस्ट किया है, मगर राजनीतिक दबाव के कारण ये लोग बाहर आ जाते हैं। शहर में बढ़ रहे क्राइम रेट के जिम्मेदार यही लोग हैं। बताओ क्या कर सकते हो? सर, आपका ऑर्डर हो तो एनकाउंटर कर दें। पहले से ही तुम पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंक्वायरी चल रही है, सोचो और कुछ नई तरकीब निकालो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सर आप डिटेल्स दे दीजिए। ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है। सीएम का ऑर्डर है कि मिशन को जल्दी खत्म करना है। वो यहाँ से 11 बजे घर चले गए थे सर। कुछ जरूरी काम के लिए मैंने उन्हें 12:30 बजे फोन किया, मगर फोन स्विच ऑफ था। वो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करते थे। उनके दोस्त या रिश्तेदारों के यहाँ चेक किया? नहीं सर, जाते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि वो घर जा रहे हैं। जो दरवाजा बंद था इसलिए तोड़ना पड़ा, लेकिन अंदर कोई नहीं है। लगता है शिवानंद कल रात घर नहीं आया। जाने माने समाज सेवक और लोक शक्ति पार्टी के लीडर शिवानंद जी कल रात से ही लापता हैं। चेन्नई के ग्रामीण इलाके में बन रहे जर्मन कार फैक्ट्री का वो विरोध कर रहे थे। इस तरह से अचानक उनका गायब हो जाना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। पुलिस को शक है कि किसी ने उनका अपहरण किया होगा। और तो क्या कहते हो दोस्तों? कम्युनिस्ट लीडर है, 20 साल से यही काम करता है, भूख हड़ताल, विरोध करना, काले झंडे दिखाना। इसके लिए 12 जेल जा चुका है, सेडिशन के चार्जेस लग चुके हैं, और अब वो जर्मन कार फैक्ट्री मामला। एक टीवी चैनल वाले ने पूछा कहीं सरकार को ज्यादा परेशान करने की वजह से तुम लोगों ने तो उसे नहीं मार दिया। तुमने क्या जवाब दिया? उसके पिछवाड़े में बॉम्ब रखने का मन कर रहा था, लेकिन खुद पर कंट्रोल किया और कहा ये सारी बेबुनियादी बातें हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया। डिप्लोमेटिक जवाब था। बहुत जल्दी तुम डीएसपी बनोगे। थैंक यू सर। अगर डीएसपी बन गया तो इस केस के लिए नहीं, मगर जो सवाल उसने मुझसे पूछा उसके लिए तो जरूर उसके पिछवाड़े में मैं बॉम्ब रखूंगा। बॉम्ब रखने के लिए कोई और जगह ढूंढो। उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी क्या? उसकी कोई फैमिली नहीं है, माँ बाप गाँव में है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। एक छोटा सा घर है और पूरे शहर में दुश्मन। अच्छा ये बताओ सिम कार्ड ट्रैकिंग का क्या अपडेट है? ओके सर, आवरी इलाके में एक बॉडी मिली है। लेट्स गो। ये गोदाम किसके लिए इस्तेमाल होता है? सर यहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ रखी जाती हैं सर। ऐसे से खून बह रहा है, पहले फांसी से लटकाया गया फिर गोली मारी गई। हाउ सैड, हद हो गई है। तो सर ये काम किसी एक आदमी का हो सकता है या गैंग का? ना ना, इस तरह के क्राइम करना किसी एक आदमी का ही काम होता है। मगर डॉक्टर का ड्रेस ही क्यों? सर यहां देखिए, कोट पर गोलियों के छेद नहीं है मगर शरीर पर निशान है। बात सीधी सी है, पहले गोली मारी फिर कोट पहनाया गया। समझ गया सर।
सर आपको याद है किसी ने गुड़िया भेजी थी? लाल शर्ट पहनी हुई गुड़िया? लाल शर्ट नहीं, खून से भीगा हुआ सफेद शर्ट। खून? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो इंसान का खून नहीं, बकरी का खून था। गुड जॉब। तुम्हारा दिमाग कब से चलने लगा? हाँ चुप कर, बकरी के खून में ट्राइसोडियम एसीटेट मिक्स था। क्या ट्राइसोडियम एसीटेट? ये क्या है? ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के लिए उसमें ट्राइसोडियम एसीटेट मिलाया जाता है। जब ब्लड को स्टोर करते हैं उस वक्त ये केमिकल यूज करते हैं। कमाल है, ये सब तुम्हें कैसे पता? मर्डर मिस्ट्री नॉवल में खूनी यही केमिकल यूज करता है। इस तरह के नॉवल पढ़कर मुझे बेवकूफ मत बनाओ यार। जिसने भी ये खून किया है उसे इस केमिकल के बारे में अच्छी तरह मालूम है। मुखौटा हटा। ब्रेकिंग न्यूज, चेन्नई में सनसनी। अभी अभी खबर मिली है कि लोक शक्ति पार्टी के लीडर शिवानंद का अपहरण करके उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस नेता के मौत से पूरे शहर में दुख और मायूसी की लहर छाई हुई है। क्राइम सीन से कोई सुराग मिला? नथिंग सर, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, सिगरेट बड्स कुछ भी नहीं मिला। चालाक है। और टायर के निशान का कुछ पता चला? वो किसी एसयूवी के टायर के प्रिंट्स हो सकते हैं, और फुटप्रिंट्स को भी हमने एनालिसिस के लिए भेज दिया है। आई विटनेस का कहना है आखिरी बार उसने शिवानंद को किसी जीप जैसे बड़े गाड़ी में जाते हुए देखा, शायद वो महिंद्रा स्कॉर्पियो हो। ऐसे हजारों स्कॉर्पियो होंगे, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? दैट्स अ चैलेंज। कत्ल के पीछे वजह क्या हो सकती है? सर शहर में शिवानंद के ज्यादातर दुश्मन अमीर और पावरफुल लोग हैं, सब पर शिवानंद ने केस किया है। हो सकता है उसके पड़ोसी ने उसे मार दिया। आज तक उसने 345 आरटीआई पिटीशन फाइल किए हैं, बहुत से केसेस में लोगों को सजा तक मिली है। जिन लोगों को सजा मिले उनके केस शॉर्टलिस्ट करो। श्योर सर। एक बात और, डॉक्टर की ड्रेस क्यों? समझ में नहीं आता। सर शिवानंद को डॉक्टरेट की पदवी से सम्मानित किया गया था। उस वक्त उसने कहा था कि वो एक डॉक्टर है जो समाज की बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी हमें किसी समाज के डॉक्टर को मारने का क्लू दे रहा है? क्या हुआ? देखा सर, क्राइम नॉवेल पढ़ने वाले खुद भी कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। सर उस गुड़िया पर बकरी का मुखौटा और शिवानंद के सर पर शेर का मुखौटा, दोनों में कनेक्शन क्या है? वो भी क्लू हो सकता है, 4-digit नंबर की तरह। डेटाबेस में एक प्रोग्राम रन करना चाहिए। या, हमें वो करना चाहिए। सर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, शिवानंद के फोन से आखिरी कॉल जो किया गया था उस वक्त रात के 3 बजे थे। मतलब वो फोन कातिल ने किया होगा। You're right. कॉल किया हुआ नंबर है 9663-71962। ये तो मेरा नंबर है। अच्छा? कल रात मुझे एक कॉल आया, प्रैंक कॉल समझकर मैंने नजरअंदाज कर दिया। मगर उसने शिवानंद को मारने के बाद तुम्हें कॉल क्यों किया? पता नहीं क्यों, शायद उसे कुछ क्लू देना होगा। और चारों गोलियां? सुराग है, जैसे वो मुखौटा, नंबर पजल्स, डॉक्टर कोट और तुम्हें किया गया कॉल। कहीं वो हमें चैलेंज तो नहीं कर रहा है, खुद को शातिर समझता है। लुक गाइस, जो गुड़िया हमें पहले मिली थी उस पर लाल शर्ट था, शिवानंद कम्युनिस्ट लीडर था और लाल रंग उसकी निशानी है। मार दिया उसे, गुड़िया की छाती पर 4 छेद हैं और उसके सीने में 4 गोलियां, और अब शिवानंद के शरीर पर ये डॉक्टर का कोट। इसके पीछे कोई कारण है, डेफिनेटली इसके पीछे कोई कारण है। और अगर मेरा सिक्स सेंस सही है तो उसका अगला टारगेट कोई डॉक्टर है। पॉसिबल है। सर? सर? Are you all right? Are you okay? Yeah, I'm fine. आप ठीक है ना सर? Yeah, I'm fine. इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे ही कुछ पता चलेगा विल लेट यू नो। सुनो, मैं कुछ देर में पहुंचूंगा, तुम इंतजार करना, यहाँ मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं।
अब ठीक है सर? गुड इवनिंग स्वीट हार्ट। क्या बात है रंजीत साहब, आज बुक के लिए क्या गए? शर्ट पे ये दाग कैसा, क्या हुआ? अंदर आओ या फिर यहीं पर मेरा इंटरोगेशन करोगी? अब बताओ। बताता हूँ। तो तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं? मेरी प्यारी बीवी मुझे परेशान मत करो, आओ बैठो। ओके, एक छोटा सा काम करो, शांत बैठकर एक से सौ तक गिनो, मैं जाकर नहाता हूँ फिर तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। ओके, वन टू, टू नहीं वन, थ्री वन फाइव। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? ओके बताता हूं, मैं एक क्राइम सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था, वो इस गली से उस गली भागे जा रहा था, लेकिन मैं छोड़ता उसे, जंप कर रहा था यहां से वहां, कभी इस जगह से उस जगह, कभी इस मकान से उस मकान, मैंने भी जेम्स बॉन्ड की तरह उसका पीछा किया, और जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो पता है जानू क्या हुआ, वो भाग गया, बस उसी दौरान हाथ में थोड़ी चोट लग गई, खतरों का खिलाड़ी जो हूँ। मैंने 100 बार कहा है तुमसे, ये फील्ड जॉब छोड़कर कोई डेस्क जॉब क्यों नहीं कर लेते, तुमने कभी मेरी बात सुनी है? Hey, कुछ नहीं हुआ मुझे। I'm good, you know. इंटर कॉलेज हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन, 10 गुंडों को आसानी से एक साथ मार सकता हूँ, ये घिसे पिटे डायलॉग बहुत सुने। अरे क्या एक्टिंग कर रही हो तुम? hey, क्या मैं फिट नहीं हूँ? तुमसे सवाल पूछने के लिए ना घर में कोई मर्द चाहिए, उसके लिए संदीप है ना। वो हमेशा तुम्हारी साइड लेता है, मैं चाहती हूँ कोई मुझे भी सपोर्ट करे। तो तुम्हें जूनियर रंजीत चाहिए? अरे तो सीनियर से बोल देती, वो मना थोड़ी करता। इतने महीनों की तकलीफ कौन सहेगा? इसके लिए किसी और को ढूंढ लूं? ढूंढने के लिए आंखें नहीं रहेंगी। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? मतलब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? मन करता है तो मैं खा जाऊं।